वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कौन साहब कहाँ से? सर जी मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, अबू बकर इकरामुल्ला। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? सर जी मैं पूछना चाहता हूँ, मच को हम लोग लेके आए थे कीचड़ से, तो वो कपन थी, तो उसकी जब वो सुई है वो हमारी तरफ तकरीबन उसको 4 दिन हो गए हैं जी। तो उसके जो पिछले 2 थान थे ना, उसमें ना वो नहीं निकल रहे थे, दूध नहीं आ रहा था, पानी जैसा आ रहा था। ओहो अच्छा। तो फिर उसको समझ नहीं लगी, 2 दफा डॉक्टर मैंने बुलाया, उसको मैंने 2 दफा 700-700 रुपए भी दिए, लेकिन उसने कोई नहीं सही, कोई समझ नहीं लगी, कोई सही नहीं हुआ जी। फिर मैं आपके प्रोग्राम तकरीबन 1 साल हो गया कि मैंने कारोबार स्टार्ट किया हुआ था, मैं बोर्ड का काम करता हूँ, 26 साल पहले रह गया था जी। तो बस वो काम सही नहीं लगा, तो फिर इसलिए ये काम स्टार्ट कर दिया डेयरी फार्म का। ठीक। तो आपकी मैं वीडियो 1 साल हो गया, जो भी मेरी माँ को कुछ भी होता ना तो मैं उधर से ही देखता था। तो इस बार मैंने वो डॉक्टर मंगवा के भी देखा तो नहीं हुआ, फिर वो आपकी मैंने वो देखी थी वीडियो में एक आया हुआ था जी। तो उसमें आपने लिखा हुआ था एक ऑक्स्ट्रा एल ए के, मैंने उसको ना वो 20 और 20 cc के टीके दिए। उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के, एक दिन नागा करके, फिर उसको मैंने 15 से 15 cc दिए। ठीक। फिर एक दिन उसके ना एक थान में से ना दूध निकलने लग गया, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र आपकी वजह से। मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत कुछ मिलता है माशाल्लाह। कौन सी गाँव कौन सा है आपका गुजरात में? सर जी मैं गुजरात मेन गुजरात सिटी में रहता हूँ। सिटी में कौन से मोहल्ले में? उस्मान प्लाजा अलीपुर रोड। अच्छा अलीपुर रोड उस्मान प्लाजा। अच्छा देखो, अच्छा बुढ़े के, बुढ़े देखो, बुढ़े देखो। ठीक ठीक। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, कसम से मैं बहुत आपका नंबर तलाश कर रहा था, लेकिन फिर एक वीडियो में आपका नंबर मुझे ये कल मिला। हाँ जी। तो मैंने कल भी फिर कोशिश की थी, नंबर बंद आया, तो आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से मिल गया, आपका रब्ता हो गया मेरे साथ। अच्छा माशाल्लाह। ओ बुढ़े देखो यार, मेरे एक उस्ताद होते थे तसद्दक साहब, वो बुढ़े देखो में हमें वहाँ ना पब्लिक हाई स्कूल नंबर 1 फतुपुरा हमारा था स्कूल, तो उधर हम पढ़ते थे, तो वो बुढ़े देखो से वो आते थे। मुझे याद है माशाल्लाह। हाँ जी। तो आप गुजरात ही पढ़े हैं माशाल्लाह? मैं है ही गुजरात का। अच्छा आप बताए क्या? अच्छा हाँ जी, मेरा भद्दर है गाँव, मेरा खारिया में भद्दर है गाँव का नाम। अच्छा अच्छा चले माशाल्लाह। अच्छा तो फरमाए आप, क्या दूध आना शुरू हो गया? दूध आना शुरू हो गया है, तो जो कहते हैं कम कर गई उसमें से अपना फुटियां जी नहीं होती, फुटियां आती हैं। अच्छा अभी है जो चौथा थान है ना, उसमें से फुटियां आ रही हैं। तो मैंने वो आपकी वो देखी थी खीर, जिसमें 2 लीटर दूध था। हाँ। और कोई सफेद जीरा होगा, सफेद जीरा था। हाँ सफेद जीरा था जी, सफेद जीरा भी था। लहसुन होगा जी, लहसुन भी डाला 250 ग्राम। हाँ। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप उसको खीर दें ना, हफ्ता एक दो दें थोड़ा, ठीक है, एक पूरा हफ्ता ये खीर खिलाएं। और दूसरा ये फुटकियाँ वो ठीक हो जानी चाहिए थी, वो जो ऑक्स्ट्रा एल ए के आपने पूरा कोर्स कराया था ना, उससे हो जाना चाहिए। नहीं, वही ना फॉर्मॉक्स एल ए या ऑक्स्ट्रा, एक दिन छोड़ के फिर तीसरा कराना है। ठीक। ये अभी ये कराना है, एक दिन छोड़ के अभी कराना है जी? जी ये एक दिन कराया है तो उसमें से माशाल्लाह दूध आने लग गया। नहीं भाई वो पूरा कंप्लीट करें ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब वो तीसरे दिन मैं कब कंप्लीट हो जाएगा, तो लेकिन फुटियों के लिए भी वही मैं दो दूध वाली खीर। हाँ वो दें, दो वो दें। और नहीं वो फुटकियां तो उससे ठीक हो जाएंगी, जब जो फॉर्मॉक्स एल ए या ऑक्स्ट्रा एल ए या मॉक्स एल ए, कई नामों से आ रही है ये दवाई, तो वो अगर पूरी वो कंप्लीट 100 मिलीग्राम हो जाएगी ना, 100 सीसी पहले 40, फिर एक दिन छोड़ के 30, फिर एक दिन छोड़ के 30, 15 15 जो आपने कहा, ठीक है ना? जी
जी ठीक हो गया। तो वो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। और साथ साथ ये भी साथ साथ खीर भी देते रहना है इसको, ठीक है। आज इसको मैंने चाटी की लस्सी भी के दे दे ताकि वो टीका गर्म होता है तो उससे जरा कोई वो खुद पिए चाटी की। हाँ ठीक। नहीं 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 उसमें थोड़ा उसको के टीका ना ये गर्म होता है। हाँ वो भी दे उसको थोड़ा जब खट्टी हो जाए ना चाटी की लस्सी तो उसमें थोड़ी धारे मारे तो वो हम लोग गुजरात में कहते हैं गोजी। हाँ गोजी बन जाती है। गोज भी इधर कहते हैं कोई मुख्तलिफ त्रोड़ कहते हैं हम गुजरात में गोजी कहते हैं। तो वो कहें गोजी सी बन जाएगी बड़ी मजे की होती है वो। मैं तो बचपन में रोटी के साथ भी खाता था। अरे मुझे भी बड़ा शौक पड़ा हुआ ये देसी घी मक्खन वगैरह। नहीं नहीं ये जरूर खाया करें। मैं तो नाश्ता जो है देसी घी के पराठे के साथ खाता हूँ करता हूँ। मेरा भी वही साथ है। बड़ा मजा आ रहा है। पाँच मजे थी अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह के पास इतना 14 मजे हो गए। 14 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड माशाल्लाह। चले मैं अगर गुजरात मेरा अगर चक्कर लगा गुजरात तो मैं चक्कर लगा लूंगा आपके उधर ना बूढ़े वाले को। मैं बहुत खुश होऊंगा आप मेरी तरफ आएंगे यकीन माने बहुत बहुत ज्यादा। पहले मैं गया था मिर्जा शौकत साहब मेरे टीचर होते थे वो फौत हो गए थे। उनका नाम का स्कूल भी है मिर्जा शौकत साहब का शौकत मॉडल हाई स्कूल है। ये कालरी दरवाजा है ना कालरी दरवाजे के उधर ही है उनका। तो वो फौत हो गए थे तो मैं उनके गया था ताजियत के लिए उनके बच्चों को मिलने गया था क्योंकि मेरे बहुत प्यारे उस्ताद थे। तो अब तो कोई इधर अच्छे डॉक्टर रहे नहीं है गुजरात के कि माने बस पैसे देते हैं टीका लगा के वो चले जाते हैं। नहीं बस अल्लाह रहम करे आप खुद ही सीखें और मेरे प्रोग्राम देखते रहें बड़े। मैं इसमें वो कहते होंगे कि यार इतने ज्यादा प्रोग्राम देता है बैल रोज आए होते सब्जी वगैरह के भी आए होते हैं बकरे वगैरह के भी आए होते हैं। कल रात को तो मैंने कपास पे भी वो कीड़ों पे दिए हैं तीन वो भी आए। चले आपका ये भी इंशाल्लाह ताला ये भी आ जाएगा ठीक है। नाम क्या एक दफा नाम अपना फिर एक दफा रिकॉर्ड करा। अबू बकर इकरामुल्लाह माशाल्लाह अबू बकर इकरामुल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला। एक और बात है जी फरमाए। तो मेरी एक मच को नाड़ है तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं। नाड़ है अच्छा। हाँ उसको मैंने पहले भी ऑक्स्ट्रा का दिया है तो उसका ना थन बहुत ज्यादा सूज गया था। अच्छा तो अब मैं फिर उसको वो कोर्स करा रहा हूँ लेकिन ये खीर का मुझे पहले नहीं उसमें नजर आया वीडियो में। मैं बड़ा कोशिश करता था लेकिन वो जब मैंने सब्सक्राइब किया और बैल वाली दवाई तो उधर से आपका वो लाइब्रेरी में जाके यूट्यूब में फिर वहाँ पे मैंने जब लिखा तो वहाँ पे फिर आने लग गई आपकी वीडियो सारी। ठीक है चले कर ले बात पूरी करें। अच्छा मैं वो खीर अब उसको भी वही खीर खिला रहा हूँ तो वो खीर उसको भी खिला रहा हूँ उसको लेकिन मैं ऑक्स्ट्रा के मैं टीके लगवा रहा हूँ। बस लगवा दे साथ वो खीर इसलिए लगवाता हूँ ना खीर पिलानी इसलिए होती है कि दूध कम ना करे और वैसे भी अच्छा रहती है वैसे भी अच्छी रहती है। ठीक है चले करें इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है मुझे कुछ वंडा बता देते हैं जो मैं बच्चों को खिला सकूं। वो आप मेरे प्रोग्राम्स में देखे ना प्रोग्राम में मैंने काफी देखे हैं लेकिन काफी आपके उसमें वंडे हैं लेकिन मैं कहता हूँ कुछ स्पेशल आप मुझे बता। नहीं 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 सुने मेरी जो जिसमें तेल नहीं निकला होता मेरी यार सुने ना आप उन वंडो में देख लें सारे ही वनडे फार्मूले मैंने इतने दे रखे हैं वो उनमें से जो पसंद आए ना आपको किसी पे हाथ रखेंगे अल्लाह मदद करेगा वो वही वंडा बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है अच्छा हाँ पाउडर में रोज डाल रहा हूँ इनको 100 ग्राम वेरी गुड वेरी अबू बकर बिल्कुल अबू बकर इंशाल्लाह फिक्र नहीं करना अल्लाह फजल करेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह दुआओं में याद रखना और पूरे गुजरात पूरे चले पूरे गुजरात को सलाम। ओके गुजरात पूरे गुजरात को सलाम अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।